25वीं रात की तरावियां पढ़ी गई हैं। इतकाफ करने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला के करम से ही आपको ये बैठने की तौफीक मिली है। लेकिन एक बात ये भी जहन में रखें कि आज के बाद सिर्फ एक रात बाकी रह गई है, सिर्फ एक रात, जिसे कहा जाता है 27वीं रात। बहुत सारे साथी जो आज इतकाफ के लिए आ रहे हैं, बहुत सारे कल आएंगे नफली इतकाफ के लिए, मुख्तलिफ दिनों में आते रहेंगे। जो जितने दिन यहाँ पर देगा उसको उतनी जजा मिलेगी, उतना अजर मिलेगा, उतना अल्लाह पाक की बारगाह से इनाम मिलेगा। आज थोड़ा सबक ज़्यादा है, कल चूँकि मैं था नहीं इधर गया हुआ था, तो कल वाले सबक का भी थोड़ा सा हिस्सा पढ़ना है। आज भी सबक जो पढ़ेंगे उसमें भी कुरान पाक का तर्जमा, उससे पहले जो एक दिन पढ़ा था वो भी गुफ्तगू दूसरी तरफ चली गई थी, तर्जमे वाली बात को दो चार आयतों के तर्जमा पढ़ा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ करें हम जो कुरान पढ़ते हैं इसको समझने के अल्लाह तौफीक दे। असल में ये जो मस्जिद है ना जहाँ पर आप इतकाफ बैठे, छोटी सी मस्जिद होती थी, बमुश्किल इसमें 40-50 लोग नमाज पढ़ सकते थे बस। अब तो माशाल्लाह कोई 1000 के करीब तो एक हाल में नमाज पढ़ सकते हैं, और 3 हाल बने हुए हैं। छत जो है वो इससे भी बहुत वसी सिस्टम में आ गई है। अल्लाह का करम है, जो हमारे इलाके के पुराने बुजुर्ग हैं, कुछ लोग दुनिया से चले गए हैं, कुछ अभी ज़िंदा हैं, जो इस मस्जिद में पहले हुआ करते थे, वो बताते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम इस मस्जिद में तशरीफ़ लाए थे। ठीक है, वो बुज़ुर्ग कहते हैं, हमें बताए, हम भी उस वक्त छोटे होते थे, पुरानी बनी हुई है मस्जिद। तो आज नबी पाक अलैहिस्सलाम की निगाह करम का सदका आप यहाँ पर आज इतकाफ बैठने की जगह नहीं है। कई लोग जुम्मे वाले दिन इसलिए चले जाते हैं कि जगह नहीं होती, तीनों पोर्शन फुल होते हैं और इसलिए लोग चले जाते हैं कि जगह नहीं होती। अभी जुमातुल विदा आने वाला है, तीनों पोर्शन फुल होंगे, छत फुल होगी, बाहर गलियों में लोग होंगे, आखिर लोग चले जाते हैं कि गलियों में भी जगह नहीं मिलती। इतना अल्लाह ताला का करम है। तो इतने सारे लोगों में कोई ना कोई तो उसका मकबूल होगा। अल्लाह पाक हम सबको अपनी इबादत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तर्जमा मैं फिर शुरू करूँगा। दोस्त जितने बैठे यहाँ पे इतकाफ वाले, इनके अजीज़ मिलने के लिए आते हैं, तो अगर वो जो मिलने वाला है उसको भी बिठा लो, वो आपसे बातें कर सको, मैं बात तेरे से करता हूँ, पहले बात सुन ले, हो सकता है बात में उसकी बात बन जाए, ऐसा भी तो होता है ना। अच्छा आप उसे चक्कर दे दें, उसको या तू बस 5 मिनट बात सुन ले फिर मैं तेरे से बातें करता हूँ। अच्छा ये ऐसा चक्कर है, जो चक्कर देना सीख गया ना उसकी ऐश हो गया, जो दुनिया का चक्कर देना सीख गया उसका ठिकाना जन्म हो गया, और ये जो चक्कर दे के दीन की तरफ लाना सीख गया उसकी ऐश हो गई। चक्कर समझ गए, ऐसा नहीं कि आप कहीं सूफी साहब ने कहा था चक्कर दिया करो, चक्करों की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूँ जो बंदा आपको मिलने के लिए आए उसको आप 5 मिनट बात सुन लेते। कुरान तो सबके लिए है ना, तो कुरान ऐलान फरमाता है, और जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो, क्या करो, ताकि तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमत की जाए। तो जब कुरान खामोशी से सुना जाएगा फिर क्या होगा,
खुली सी बात है ये तो। आपके साथ जो बाहर से आने वाले हैं उन्हें मना तो नहीं हम कर रहे, आए मुलाकात करें, लेकिन जैसे वो आके बैठे आप उसे कह भाई बैठ जाओ, जैसे बैठे आप उसको बिठा के वो आपसे बार बार बात करेगा, बार बार बात करेगा, उसे यार एक मिनट ठहरते हो ज़रा बात सुन लें, तर्जमा थोड़ी देर क्या सुन के उसके बाद तीन के बाद। मेरा यकीन और बहुत सारी ऐसी हज़ारों मिसालें मौजूद हैं कि बंदा मस्जिद में छोड़ने के लिए अपने भाई को या बेटे को आया करता था, बेटा तो नमाजी हो गया लेकिन छोड़ने वाला भी नमाजी हो गया, छोड़ने वाला भी। अच्छा, जिसको छोड़ने आता था उस पर तो कर्म हुआ, लेकिन ये सिर्फ उन गलियों के चक्कर लगाता था, इस पर भी कर्म हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों पर भी कर्म हो तो जो आए उसे, समझ गए, बल्कि मेरा आपको बरादराना मशवरा है, अगर आप करेंगे तो दीन की तबलीग करना सुन्नत है, दावा देना सुन्नत है। आप कल से ना सबको बुला लो यार, ईशा की नमाज के फौरन बाद आए आपसे मैंने बातें कल्ले कल्ले, ये नहीं बताना सुनो जब इधर आए तो यार सर वो 10 मिनट बाद सुन लेते हैं, उसके बाद यार फिर ना आपसे बातें करेंगे, लेकिन उसको ये नहीं बताना कि सूफ साहब ने ये कहा था। वो आएगा वाला किस होगा, जब सारे जा रहे होंगे वो अंदर आ रहा होगा, ये नहीं बताना, क्योंकि वो तरावियां पढ़ने का आदि नहीं। उसको यार ऐसा करो ये 9:45 तरावियां खत्म होती हैं, तुम 9:45 ही आ जाओ, उसे समझाना है कि 9:45 तरावियां खत्म होती तो उन्हें 9:45। अच्छा, यहां ना कुछ कहना यार थोड़ी देर का तर्जमा है, यहां बिठा के उसको कहना यार तर्जमे का मजा आता है। अगर आप फोन पे या मैसेज उसको कहो ना मजा आता है, वो कहेगा नहीं मैं बार बड़ा मजा आता है। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप करके देखें आपको फायदा होगा, इसमें मेरी जात का भला तो नहीं है, कोई मदरसे के पैसे तो नहीं मांगे, कोई खाने के पैसे तो नहीं मांगे, क्या कहा भला मैंने। तबलीग का सिलसिला अभी से शुरू कर देंगे, बाहर निकलते ही आदत बनी रहेगी। या तो मैं किसी मुफाद की बात कर रहा हूँ घूम फिर के, माशाल्लाह आप सारे बात समझ बाशऊर हैं, समझदार हैं, कोई घुमाने फिराने वाली बात तो नहीं है। आप उनको बुलाएं कि यार आप आओ, ऐसा करना यार सुबह की नमाज के बाद आ जाना, सुबह की नमाज तुमने पढ़नी तो है, रोजा तो सारी करनी है, तो मेरे पास ही आ गया। 4 दिन तो सारे बाकी रह गए बाबा जी, 4 दिन में अगर 4 बंदों की बात बन गई तो हमारी बात बन गई। अच्छा माशाल्लाह कुछ 350 के करीब बंदे बैठे हैं इत्तेफाक, अगर एक एक बंदा भी आप बुलाएं अपने साथ, कितना कितना, आखिर एक एक से दोस्ती तो होगी ना यार, कि नहीं, एक एक बंदा भी बुलाएं तो यहाँ कितने बंदे हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा फिर उनमें से अगर किसी एक की बात भी बन गई, इत्तेफाक तो आप बैठे हैं बाबा जी, वो तो इत्तेफाक नहीं बैठे ना, इत्तेफाक तो आप बैठे हैं। आप मुझे बताएं, अगर आप इत्तेफाक बैठे हैं, आप चाहते हैं कि किसी का भला हो जाए, आजकल तो माहौल बना है ना, देखिए मेरी बात सुने, दाढ़ी तो रोजाना कटवाते थे जो दाढ़ी मुबारक काट देते, लेकिन कभी इतना एहसास नहीं हुआ था जितना अब हुआ है। वही जमाना, वही लोग, वही कुरान, वही हदीस, वही समझाने वाले, वही बताने वाले, लेकिन माहौल ऐसा मिला कि माहौल ने बंदे को बदल दिया। अच्छा, मामूल के मुताबिक कोई बात होती थी, अब सिर्फ इतनी बात हो गया, देखो नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका को, सुन्नत मुतहरा को काट के पेशाब वाली नाली में फेंका जाता है, कितना बड़ा जुर्म है। आज बात समझ आती, भला क्यों समझ आती है, इसलिए समझ आती कि उसके ऊपर जो जंग था ना वो दूर हो गया, अब जंग दूर हुआ बात समझ आना शुरू हो गई। अच्छा, जब बात समझ आ जाए तो बात समझ आती उस वक्त है जब बात बनी हो। अगली बात भी सुने, कई साथी बीमार हो गए हैं, बुखार चढ़ गया, तबीयत खराब है, असल में खाना मेरी कोशिश तो होती है तब्दील करके इनसे, मैं कहता हूँ पकाओ यार, जो साथियों की डिमांड है तो इनकी जो डिमांड है वो पकाओ, कोशिश करते हैं चेंज करके जैसे हो सके वो बनाएं, फिर भी मुसलसल खाना घर के खाने के आदि होते हैं,
ठंडा पानी ज्यादा पी लिया, मतलब इस तरह तबीयत खराब हो गई। एक बात अपने पल्ले बांधे, तबीयत खराब क्यों हुई? इसके बाद बात सुनने के बाद आप सारे कहेंगे अल्लाह करे साड़ी तबीयत भी खराब हो जाए। हदीस सुने, हदीस मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा मुसलमान बीमार होता है तो अल्लाह फरिश्तों को बुलाता है, फरिश्तों इधर आओ, ये जो मेरा बंदा बीमार हुआ ना इसके गुनाह लिखने बंद कर दो। क्या कर दो? गुनाह लिखने इसके बंद कर दो, इसकी नेकियां बढ़ानी शुरू कर दो। और जब तक ये बीमार रहता है इसके गुनाह ना लिखो, और बीमारी की वजह से इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील करते रहो। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा की शान, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा बुखार को मांग कर लिया करते थे, अल्लाह में बुखार हो जाए, बुखार को मांग के लिया करते थे। अगली बात भी सुने, जो बंदा कभी बीमार नहीं होता ना, समझ लो कि रब उससे नाराज है। जो कभी बीमार नहीं होता ये समझ लो कि अल्लाह ताला उससे नाराज है। ये तो बाबा जी बीमारी चीज ही ऐसी है, बीमारी बंदे को अल्लाह के करीब कर देती है। आप भी कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं सूफी साहब, सुने गुड्डी तो छोटे दौड़ाते रहे हम पतंग, आप तो शरीफ आदमी हैं, लेकिन मैं तो इन चक्रों में चप्पड़ आ रहा हूँ सारी उम्र। आप तो अच्छे आदमी हैं, आप नहीं करते होंगे, लेकिन मैं तो इस चक्रों में रहा हूँ सारी उम्र, हैं अभी भी इसी चक्रों में अल्लाह ने इज्जत बना दी है। अच्छा, गुड्डी को ऊंचा करने की, पतंग को ऊंचा करने के लिए क्या करते हैं? तुनका लगाते हैं, ऐसे होता है कि नहीं? तुनका लगाते हैं, वो गिर रही होती है तो तुनका लगाते हैं सीधी हो जाती है। जब बंदा गिरने लगता है ना तो अल्लाह ताला बंदे को, समझ आ गई मेरी बात की, नहीं वो डावाडोल होता है ना, डावाडोल तो अल्लाह ताला बंदे को जब वो तुनका लगाता है ना तो फिर ये बीमार होता है। जब बीमार होता कहता है अल्लाह मनु माफ कर दे, मैं उन नहीं करांगा। अब एक और हदीस पाक सुने, नबी पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद करम, अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाता है, जिब्राइल फलां बंदे को तो बीमार कर दे, फलां बंदे को तो बीमार कर दे। अल्लाह वो बंदा तो हर वक्त तेरा जिक्र करता है, तेरा चर्चा करता है, तेरी इबादत करता है, अल्लाह फरमाता नहीं तो इसको बीमार। अब रब फरमाए जिब्राइल की क्या मसाल को उससे, क्या मजाल को उसे हिलजुल कर ले। अच्छा मालका मैंने इसे बीमार कर दिया, अब जिसे रब बीमार करे करोड़ों सूफी रल जाए क्या होगा? अल्लाह जिसे बीमार करे बाबा जी सारी कायनात सारी रूहे जमीन मिल जाए तो क्या वो ठीक कर लेगी? अच्छा अल्लाह वहां तो उसको बीमार कर दे, बीमार कर दिया ठीक है भाई। जिब्राइल करता है मालका ये तो तेरा जिक्र बड़ा करता था, इबादत भी करता था, अल्लाह फरमाते यार ये सारा कुछ करता था लेकिन ये पहले रोता था, अब इसने रोना बंद कर दिया है। क्या कर दिया? रोना बंद कर दिया है, इसको परेशान कर ताकि परेशानी की हालत में मेरे सामने आके रोए, मुझे इसकी इबादत से गर्ज नहीं, मुझे इसका रोना बड़ा पसंद था, मुझे इसकी इबादत से गर्ज नहीं, मुझे इसका रोना जो था ना, इसकी आंखों से आंसू गिरना, निदामत के आंसू बहाना, रोने वाला मुंह बनाना, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैंने इसकी इबादत को क्या करना है? इसने रोना छोड़ दिया, मैंने इसकी इबादत को, मेरे किस काम की इसकी इबादत? जब ये रोएगा तो इसका दर्जा बुलंद होगा, मैं चाहता हूं कि ये रोए ताकि इसका मकाम और रुतबा। अब सारी बातें समझे, मैं ये भी जानता हूं जब आप छोड़ के इतकाब से बाहर जाएंगे ना तो जब अब एतकाफ लाजम बात है, दुनिया का निज़ाम बना हुआ है, जब एतकाफ से हट के आप जाएंगे ना, दो दिन बाद, एक दिन बाद, तीन दिन बाद, एक दिन बाद, दो दिन बाद ना, वही माहौल दोबारा, वही कीचड़, वही गंद, वही माहौल, वही मुआशरा, वही गुनाह, वही बुराइयां। लेकिन एक बात ज़रूर है, यहाँ से जाके जब आप गुनाह और बुराई की तरफ जाएंगे ना तो एक दफा वो साफ हुआ हुआ जमीर आपसे जरूर कहेगा यार क्या कर रहे हो तुम, कहां आ गए? आपको समझाएगा यार पागल, जो पहले नहीं समझाता था, पहले कहता था बड़ा मजा आता है उधर ही चल, अब वो आपको समझाएगा यार कहां जा रहे हो, तो पागल तो नहीं? तो बातें नहीं खत्म होगी, फिर आप थक जाएंगे। मैं ये चाह रहा हूं कि आपको तर्जमा सुना दूं,
जिन्नात के बारे में सूरत जिन है, सूरत जिन। कई लोगों का कॉन्सेप्ट तसव्वुर और गुमान ये है कि जिन बड़ा ताकत वाला होता है, जिन के पास बड़ा इलम होता है, हैं? जिन को बाजू ये जिन आ गया, हैं? वो जिन आ गया पाजी पचो। जिन इंसान के ताबे है, क्या फिर बताएं? जिन इंसान के, फिर बताएं। ये कुरान से साबित है, घबराओ ना यार, कोई जिन कुछ कहेगा तो पहले मुझे कुछ कहेगा, आपने नहीं परेशान हो, मैं जाना तो जिन जाने, आप अपना काम करो। जिन इंसान के ताबे है, गज गज के कहना, जिन इंसान के, हाँ डर के नहीं कहना, कुरान साबित, कुरान से साबित है कि जिन इंसान के। आप बताएं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सारे जिन काबू में थे कि नहीं? सुलेमान अलैहिस्सलाम इंसान थे और जिन तो जिन है। जिन्नों का गुरूर कब टूटा? सुने जरा, इंसान के ताबे जिन भी है और इंसान फरिश्तों से भी आला है। क्या यह भी कुरान से साबित है कि इंसान जिन्नों से भी आला है और फरिश्तों से भी? ये पल्ले बांध लो बात, मैं बात फिर शुरू करूंगा, सूरज जिन है फिर शुरू करूंगा। आप मेरे से वादा करें, मस्जिद में बैठ कर जो बंदा है उन्हें बालो बोले, अगली बात सुने, उसका बैठने को जी नहीं चाहेगा, पक्की बात है। क्यों बला? जिस दिन आप एतकाब बैठने आए थे आपका जी चाह रहा था? एतकाब से पहले मस्जिद में कितनी देर बैठते थे? आपस की गल है, किसी दसना नहीं, वैसे समझ गया ना। इसलिए जो भी बंदा होगा उसका जी उनको जान जो मिले बैठते चुप कर जा, बात समझ आ गया ना। बाकी काबू करना मेरी जिम्मेदारी, तारी जिम्मेदारी, ताड़ा कौन फड़ के पाना, नहीं समझ। आपका काम भाई रखना, बाकी मैं जानूंगा। वो बार बार उठने की कोशिश करेगा, दो तीन मिनट बाद ठंडा हो जाएगा, मुर्गे ने छुरी फेरो, दो तीन मिनट के लिए वो बड़ा तड़पता है, उसके बाद क्या होता है? बस सिर्फ बस दो तीन मिनट आपने बिठाने, बाकी मैं जाना, मेरा काम बिठा लेना आपने। लेकिन अगर आपने इस राज को खोला तो फिर अच्छी बात नहीं है, चुप की तरह ना, पांच दिन तक नहीं खोलना, उस बाद जिन मर्जी दस देना, जितने दिन रोजे आना उतने दिन जड़ा हमें घेर लो, समझ गए? जे इंशाल्लाह ताला नमाजा ना पढ़े फिर तो मजा ना आया। अच्छा, इंसान जिन्नों से और फरिश्तों से भी। अब सुने, सूरज जिन है, इसकी ये सूरज जिन मक्की है, इसकी आयतें 28, रुकू 2 हैं। इसके अंदर मजामीन जो है, पहले रुकू में जिन्नात के इस ग्रोह का जिक्र है जिसने नखला के मकाम पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक से कुरान की तलावत सुनी थी और उन्होंने ये तलावत अपने कबीले वालों को सुनाई और जिन्नात पूरी जमात के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। जिन्नों, नबी पाक अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ रहे थे, कौन पढ़ रहा था? अल्लाह, मेरे नबी का कुरान पढ़ना, अल्लाह अल्लाह है बाबा जी। कोई कारी यहाँ पर कुरान पढ़े ना, अच्छा कारी कोई, तो सुनने का मजा आ जाता है। तो जब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की जबान से कुरान निकल रहा होगा, जिन्नों के ग्रोह ने कुरान को सुना और रुक गए। मक्का के अंदर मस्जिदों से कहते हैं मस्जिद जिन, वहां पे रुक गए, उन्होंने रुक के कुरान को सुना, बड़ा मजा आया, इतना मजा आया, उन्होंने जाके अपने साथियों को बताया, कोई उधर बड़ा मजा आता है, उधर बड़ा मजा आता है। इससे एक बात साबित हुई, साथियों को बताने वाला सिलसिला अजल से चला आ रहा है, खाली इंसान ही नहीं जिन भी ये काम करते हैं। बात समझ आई अब कि नहीं समझ आई? साथियों को, मेरी बात को गौर से सुनते रहना आज आपने, ठीक है? कल वाली कसर निकालनी आज। अच्छा, उन्होंने अपने साथियों को बताया, साथियों ने क्या किया? कह रहे यार जहां तुम्हें मजा है हम भी चलते हैं। सारे आगे, सब ने आके नबी पाक अलैहिस्सलाम जब कुरान सुना रहे थे, कुरान सुना, सुनने के बाद सारे बैठ गए, कहने के या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल हैं, जिस कुरान पर आप ईमान रखते हैं बड़ा मजा आता है हमें इसका सुनने में। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एक काम तो करें, आप ऐसा करें सबसे पहले हमें कलमा पढ़ाएं, बाद में हम सारी बातें करेंगे।
इससे अल्लाह इससे एक बात साबित हुई कि जिन मुसलमान भी होते हैं और काफर भी होते हैं। पहले काफर थे तो मुसलमान हुए ना, बात समझ आई? गैर मुसलमान थे तो मुसलमान हुए, समझ आ गई है? बेशुमार जिन औलिया अल्लाह के आस्थानों पर आके कुरान पढ़ते हैं, कुरान सीखते हैं, मुसलमान जिन होते हैं, बड़े बड़े अच्छे जिन होते हैं। अच्छा अब अगली बात भी सुने, जिन्नों को तो मजा आना। अबू जहल, कौन अबू जहल? नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुजरे के पीछे बैठ के, कहां बैठ के? जब नबी पाक अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ा करते तो पीछे बैठ के कान लगा के सुना करता। किसी ने पूछा पागला ये क्या? कहता अल्लाह पैदा करने वाले की कसम है बड़ा मजा आता है। हाय क्या कहता है? कहता है कुरान सुनने का आय हाय। कौन कह रहा है? कुरान भी सुनता है मेरे मुस्तफा की जबान से, अल्लाह। तो किसी ने कहा पगला तू? इब्ने कैस ने कहा भाई तेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तेरा क्या अकीदा है? कहने लगा बात सुन मेरी, अल्लाह की कसम ये पक्का और सच्चा रसूल है, तू मानना ना, तू मानना, तू मान गया हमारे पल्ले कुछ नहीं रह जाएगा। तासीर कुरान देखें कैसी है। जो लोग नहीं मानते ना नबी पाक अलैहिस्सलाम की अजमत को, कयामत वाले दिन इनको मानना पड़ेगा, वो भी आगे आपको बताता हूं। तो जिन्हों ने कुरान को सुना, अगली बात भी सुने। कई लोग कहते हैं जिन्हों के पास इल्म गायब होता है, इल्म गायब जिन्हों के पास नहीं होता। इल्म गायब कहते हैं किसको है? थोड़ी सी बात समझा दू। इल्म गायब वो होता है जिसमें किसी बंदे की अकल जितना मर्जी जहीन हो, जितना मर्जी काबल हो, जितनी मर्जी किताबें पढ़ा हो, जहां उसकी हद खत्म हो पढ़ाई की और दुनियावी अकल और शऊर के लिहाज से कोई बात ना समझ सके, उसकी समझ में ना आए, जहां हद हो, जो किताबें ना लिखें, जिसका पता ना हो, समझ ना आए, उस बात का पता चलना शुरू हो जाए, उसको इल्मे गायब कहते हैं। उसकी मैं आपको तहरीरी तौर पर उसकी एक बात समझा देता हूं। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या बना रहे थे? बैतुल मुकद्दस क्या बना रहे थे? तमीर हो रही थी, जिन भाग भाग के काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जिन्नों से काम ले रहे थे। कौन भला? सुलेमान अलैहिस्सलाम इंसान और जिन, सोचो। उन्होंने काबू किया, चलो काम करो। उन्होंने कहा जी सरकार, काम करना शुरू कर दिया। एक और बात भी सुने, कई लोग जिन्नों के पीछे पड़ते हैं, मोकलों के पीछे पड़ते हैं, इंतहा किस्म की जहालत है, इनको पकड़ना पागलपन है, कोई फायदा नहीं इनको पकड़ने का। हाँ एक फायदा होगा, दुनिया बनेगी जरूर, पैसे आ जाएंगे, लोग आपकी बैजा बैजा करेंगे, लेकिन आखिरत नहीं बनेगी। एक बात तो बताएं, एक बंदा कहता है हर काम हनुमान की मदद से, वो तो काफर हो गया, मुसलमान नहीं है वो तो। एक बंदा कहता है हर काम मोकलात की मदद से, उसके पास कोई बंदा जाता है कहता है जी मेरा ये काम है, कहता हाँ जी, मोकल को बुलाता है इधर आओ, कहता जी सरकार, कहता इसका क्या काम है? कहता इसका ये काम है, ये काम है, ये काम है, ये काम है, ठीक है जी। कहता इसका क्या करना? कहता ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, सारी बातें भी ठीक बताता है। जब कोई उसके पास बंदा जाता है, जब उसको मुश्किल पेश आती है, जब परेशानी आती है, किसको बुलाता है? मोकल को बुलाता है, जिनको बुलाता है, बुला के उसको अपनी परेशानी दूर कर लेते हैं। एक बात तो बताए जरा, मरने के बाद सवाल होगा मन रबू का, तेरा रब कौन है, किसको बुलाएगा वो? आपस की गल है, अगर जिनको बुलाता है या मोकल को बुलाता है फिर तो जुतियां खाने वाली गल है ना, आपस की गल है, फिर तो जूते खाने वाली बात है ना। अल्लाह ताला के फरिश्ते हुक्म देंगे मन रबू का, तेरा रब कौन है? अगर उस हालत में उसने किसी मोकल को या जिन को बुला लिया तो फिर इंजाम क्या होगा? फिर इंजाम ये होगा कि कुफर में शामिल होगा, क्योंकि अल्लाह को तो अल्लाह मान ही नहीं रहा वो। मुश्किल वक्त तो उसने रब को बुलाया ही नहीं, अल्लाह की बात का हमें पेश ही नहीं हुआ उसने। ये बात किसी और तरफ निकल जाएगी। मुख्तसर बात यह है कि जब कोई अल्लाह का वली या कोई कामिल बंदा अल्लाह का अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहता है हर वक्त, अल्लाह के जिक्र में, उसी से हर वक्त बात, उसी से बात, उसी से जिक्र, जब अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए तो मोकल और जिन हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। कहते बाबा जी को काम में ऐसा डे लायक,
आपको समझ नहीं आएगी। एक बंदे का तल्लक वजीर आजम से है, किससे है तल्लक? डायरेक्ट वजीर आजम से। सदर ते लानत मारो, चलो छोटा फिर कुछ चंगा उससे चंगा ही है। अच्छा एक बंदे का तल्लक वजीर आजम से है। अच्छा मुझे ये तो बताएं एमएनए एमपी उसके सामने कैसे होंगे, ऐसे ही है ना। अच्छा जिसका तल्लक वजीर आजम से है, काउंसलर उसके सामने क्या होगा? अब बोलो तो सही। कहेगा भाजी कोई सरकार यार मेरा भी जरा यार सलाम कह देना भाई, ऐसे है ना, क्या ख्याल है? ऐसा होगा नहीं। वो जिसका तल्लक रब से होगा मेरे भाई, मोकल क्या चीज है, वो तो उसके सामने हाथ बांध के खड़े होंगे कि नहीं। अच्छा जब कोई अल्लाह का बंदा जिक्र करता है तो मोकल उसके सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं, लेकिन जो अल्लाह का बंदा इनको काम कहना शुरू कर दे अल्लाह उससे नाराज हो जाता है, कहता तल्लक तेरा मेरे साथ, काम तेरा मेरे साथ, इबादत तू मेरी करे, काम तू इनको कहे। इनको काम कहना नहीं चाहिए। अच्छा जिन्होंने क्या किया, काम कर रहे थे भाग भाग के, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा काम कर रहे थे, अल्लाह का करना ऐसा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े थे वो स्टिक लेके ना खूंडी पकड़कर सहारा लेके खड़े थे, उसी हालत में उनकी रूह कब्ज हो गई खड़े खड़े रूह। अच्छा जिन भाज भाज के काम कर रहे हैं, अब सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े हैं। एक दिन गुजर गया, दो दिन गुजर गए, तीन दिन गुजर गए, चार दिन गुजर गए, पांच दिन गुजर गए, छह दिन गुजर गए, महीना गुजर गया, कितना, दो महीने, तीन महीने, साल गुजर गया। अल्लाह कोई अकीदा देखो, खुदा की कसम अपने अकीदे पर नाज करो, सुनियो अपने अकीदे पर नाज करो, खुदा की कसम। वो कोई बंदा दुनियादार मर जाए तो घंटे बाद उसकी लाश बदबू छोड़ देती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिस्म अतर साल गुजर गया वैसे के वैसे खड़े रहे। अल्लाह अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजमत यह है तो मेरे मुस्तफा की अजमत क्या है, जो सबसे आला वाला हमारा नबी। जो सबसे आला वाला, सबसे आला वाला, सबसे बाला वाला। आज सोचने वाली, अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम साल गुजर गया, जो गर्मी सर्दी तूफान बारिश सारा कुछ आया और सख्त धूप भी थी, इसके बावजूद भी वो जिस्म तो बड़ी बात की बात है, आपके कपड़े भी गंदे नहीं हुए थे। अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये शान है तो मेरे आका की कब्र अनवर की शान फिर क्या हो गया। फिर अभी भी कोई बद नसीब मदीने ना जाए तो वाकई बद नसीब है वो यार। साल गुजर गया, जो खूंडी थी ना खूंडी छड़ी जो थी उसको दीमक लगी, और दीमक लगने के बाद वो दीमक ने उसको खा लिया। अब कई अकल के अंधे कहते हैं छड़ी की निस्बत भी तो नबी से थी ना, उसको दीमक क्यों लगी? मैं उनको इसलिए कहता हूं कि तुम्हारे दिमाग की दीमक खत्म करने के लिए उसको दीमक लगी। अब क्या हुआ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो जो छड़ी थी वो गिरी और सुलेमान अलैहिस्सलाम जब तुम जमीन पर आ गए, जैसे जमीन पर आए तो जिन्होंने कहो हो पागल हो ये तो बंदा है, इन्हें तुम खाम इससे डर के काम करते रहे, तुम खाम कैसे डर के काम करते। अगर जिन्नों के पास इल्म गायब होता उसी वक्त बता दे तू ये बंदा चला गया है, ये बंदा चला गया। आओ मैं आपको वली की शान में बताऊं, मेरे मेर अली किथे, मेर अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखियां किथे जा लड़ियां। मेर अली शाह साहब के पास कुछ लोग आए यार, मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला के पास कुछ वो लोग आए जो बद अकीदा थे, जो कहते हैं नहीं वली को कुछ नहीं होता, वली वेला ही होता है, वली ऐसे ही होता है। उनके पास आ गए, एक बंदा कहले बाबा जी साडा एक बंदा फौत हो गया, उसका जनाजा पढ़ा दो। क्या कर दो? हमारा एक बंदा फौत हो गया उसका जनाजा पढ़ा दो। किसी को जानबूझ के लटाया, कहने चार यार मजाक उड़ाने चल के, किसी को ऐसे कफन बनाया जिंदा को, कफन बना के कहने यार तू चुका के तू हिली ना, खमोश पास बैठे ना, हम उसके इसका जनाजा पढ़ाओ। जब वो जनाजा पढ़ा लेगा बाद में होंगे जाए तो वही नहीं पता लगा मुर्दा सी जिंदा सी है? जो अपनी अकल के अंधे होते हैं ना, अकल के पैमाने में तोड़ते हैं। क्या ठीक है ना बाबा जी, हमारा एक साथी फौत हो गया तो उसका जनाजा पढ़ाना है, चलो चलते हैं। वहां पढ़ा, साथियों बेलियो चार तकबीर नमाज जनाजा फर्ज कफाया सना वास्ते अल्लाह ताला दे, दुरूद वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दे, दुआ वास्ते हाजिर समय दे।
दुआ वास्ते हादिस मैयत पीछे इस इमाम के सब ने कहना अल्लाह को क्या के नमाज पढ़ाई। जब नमाज पढ़ी तो सब ने हंसना शुरू कर दिया, कहने जाओ बाबा जी कादे तुसी वली तुहानू इह नहीं पता लगा मुर्दा सी जिंदा सी, कहंदे कफन ते खोल के वेखो। आए आए कफन तो खोल के देखो, जब कफन खोला तो मुर्दा था जिंदा नहीं था। फैजान औलिया जारी रहेगा, फैजान औलिया। अच्छा वो क्यों मला, वो मरा कैसे? आपने फरमाया कि चार तकबीर नमाज जनाजा फर्ज कफाया सना वास्ते दुरूद वास्ते दुआ वास्ते, हाँ दुआ वास्ते, और रब की वली की जबान रब की जबान होती है यार। कह दिया बस हो गया। अल्लाह ताला तिलकर रुसलू फद्दलना बादहुम अला बाद, अल्लाह ताला नबियों में से दर्जे बनाता है जिसका चाहता है। दूसरी एक और आयत सुने, अल्लाह मत अल्लाह की ये शान नहीं कि आम बंदों को इल्मे गैब दे, इल्मे गैब जाती है ही सिर्फ अल्लाह के पास बस। कुरान की आयत सुने, अल्लाह फरमाता है अल्लाह की शान नहीं आम बंदों को इल्मे गैब दे, अल्लाह चुन लेता है नबियों में से जिसे चाहे। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब वो गिरे, जिन्नों ने कहा यार ये क्या हो गया, जिन्नों का गुरूर उस वक्त टूटा। समझ आ गई मेरी बात? और ये ज़हन में रखें कि जिन छोटा है, इंसान अल्लाह ने आला बनाया। और भी सुने, कभी खुदा ना खासा किसी जिन से पाला पड़ जाए ना, अपने पीरो मुर्शद का जहां जहां भी आप बैठ हो, अपने पीरो मुर्शद का तसव्वुर करके जो पीरो मुर्शद ने आपको सबक दिया ना उसको पढ़ना शुरू कर दो। मैं कसम खाकर कहता हूं अगर आपका अकीदा मजबूत है तो जिन हाथ बांध के खड़ा हो जाएगा, बाबा जी ताड़ी बड़ी मेहरबानी। शर्त यह है कि अकीदा दुरुस्त हो आपका। ऐसा नहीं है कि मैं जिन्हों की तोहीन कर रहा हूं, बाबा जी मैं हकीकत को अजमत कुरान। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास जिन आए, उन्होंने आके जमात पूरी की पूरी ने कुरान सुना और उसके बाद फिर क्या किया, सारे के सारे ईमान ले आए। गैब को जानने वाला है अल्लाह ताला, गैब को जानने वाला है, बस वो आगाह नहीं करता अपने गैब पर किसी के सिवा, किसी को सिवाय उस रसूल के जिसको उसने पसंद फरमा लिया हो। गैब की तालीम के लिए सुनने वाली बात आप सबकी, जो चीज इंसान से पोशीदा हो हम अपने शऊर की कुव्वतों कयास या अकल के जोर से इस तक रसाई हासिल ना कर सकें इसको गैब कहते हैं। फिर गौर से सुने, जो चीज इंसान से पोशीदा हो छुपी हुई हो और हम अपने शऊर की कुव्वतों से कयास या अकल के जरिए उसी तक रसाई हासिल ना कर सकें उसे गैब कहते हैं। जो चीज इन जराए से दरियाफ्त हो जाए वो गैब नहीं। इससे पता चलता है कि कोई इंसान ख्वा कितना जहीन व फतीन हो, इसके इलम के दर्जात कितने ही बुलंद क्यों ना हो, वो गैब तक नहीं जा सकता, ना अपने शऊर से और ना ही अपनी अदराक से, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला जो कि आलिमुल गैब है वो खुद इसको नियमत से सरफराज फरमा दे। ये भी बता दिया कि गैब के दरवाजे हर एक के लिए खुले नहीं हैं, बल्कि वो सिर्फ उन रसूलों को उस नेमत से नवाजता है जिनको वो चुन लेता है। ठीक है, ये थी सूरत जिन का तर्जमा। और अब आपको मैंने आगे सुनाना है सूरत मुजम्मल का तर्जमा। आज सबक ज्यादा है, मुझे पता है आप थके हुए हैं, मैं जानता हूं, मैं आपको तंग भी नहीं करना चाहता, मैं आपको यकीन जाने मैं तंग भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपने दिल की बड़ास भी नहीं करना चाहता। मेरी कोशिश होती है आपको बातें सुना दें, वो मेरा आलमाना अंदाज नहीं है, ना मैं आलम हूँ, ना मैं कोई मुबल्लिग हूँ, ना मैं हाफज हूँ, मेरा तो वैसे ही अल्लाह हाफज है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही रुलता फिरता रहता हूँ सारा दिन, दो बातें मुझे आती हैं मैं आपको सुना देता हूँ। मेरी कोशिश होती है आपको मैं बात जरूर सुना दूँ, हो सकता है ये बात मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए, इसलिए आपको सुनाई जाती हैं। आप अपना घर बार माँ बाप बहन भाई छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं, किस लिए भला बैठे हैं? कि रब राजी हो जाए। हम भी इसीलिए आते हैं कि शायद अल्लाह ताला ऐसे राजी हो जाए, मालिक है ना, बेनियाज है वो, इसलिए बैठते हैं कि अल्लाह ताला हमारे से राजी हो जाए। मैं आपको एक बात आपके बारे में बात सुनाता चले, आपके बारे में
आप अल्लाह ताला के फजल करम से सारे मोमन हैं, ईमान वाले हैं, मोमन हैं अल्लाह की रहमत से। अब सुने नबी पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद ग्रामी है, प्यारे अकाल इस्लाम इरशाद होते हैं क्यामत वाला दिन होगा। कौन सा दिन होगा? क्यामत वाला दिन होगा, और पुलिस रात से गुजरना होगा। पुलिस रात से जब कोई मोमन गुजरेगा, कौन गुजरेगा? एक मोमन वो होते हैं, हम उन मोमनों की बात नहीं कर रहे, सच्चे मोमनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब कोई मोमन पुलिस रात से गुजरेगा तो पुलिस रात के नीचे जहन्नम की आग होगी, वो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। अच्छा, जब मोमन उसके ऊपर से गुजरेगा तो जहन्नम की आग क्या कहेगी? जहन्नम की आग मोमन से कहेगी कि ऐ मोमन तू जल्दी जल्दी गुजर जा, तेरे नूर की वजह से मेरी तपश ठंडी हो रही है। किसे कहेगी? फिर बताएंगे, मोमन से कहेगी कि तेरे नूर की वजह से। किसकी वजह से? मोमन के नूर, मोमन के किसके नूर की वजह से? मोमिन के नूर की वजह से आग कहेगी तू जल्दी गुजर जा, तेरी वजह से मेरी तपश ठंडी हो रही है। ये तो बताए जरा, अगर मोमिन के नूर की ये शान है तो कमली वाले के नूर की शान क्या होगी? मोमिन के नूर की ये शान है, इसलिए आपको ये बात बता रहा हूं कि आप हौसला करें। खुदा की कसम, मेरा अकीदा है कि रब्बे काबा ने जन्नत बनाई हमारे लिए, सिर्फ यार मुसलमानों के लिए जन्नत बनाई है, किसी और के लिए जन्नत बनाई ही नहीं। काफर जन्नत के करीब नहीं जाएंगे, मुनाफिक जन्नत के करीब नहीं जाएंगे, जन्नत में जाएंगे तो मेरे नबी के गुलाम जाएंगे सारे के सारे। जिसने कह दिया या रसूलुल्लाह वो जन्नत में चला जाएगा। आका करीम रसूल फरमाएंगे हमें कौन कौन है मेरा उम्मती जो है जो मेरे से प्यार करने वाला था। आगे सुने सूरह मुजम्मल, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल मुजम्मिल قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا। आपको आज ये बात समझ आएगी भला क्यों कि जो बंदा गरीबी से गुजरा नहीं होता ना, गुरबत से, उसको गुरबत का एहसास नहीं होता। ऐसा ही है, जो बंदा किसी दुख से गुजरा नहीं होता उसको दुख का एहसास नहीं होता। जिसकी दाढ़ में कभी दर्द ही नहीं हुई उसे क्या पता दाढ़ दर्द क्या है। ऐसे है ना, जिसकी आंख में कभी दर्द ही नहीं हुई उसे क्या पता कि आंख का दर्द क्या है। मियां साहब की रूह तड़पती है, मियां साहब मत दुखिया दादर दुखिया जाने, कौन जानता बाबा जी। जिसकी मां मरी उसे पूछो मां का मरना क्या होता है, जिसका बाप मरा उसे पूछो बाप का मरना क्या होता है, जिसकी औलाद मरी उसे पूछो औलाद का मरना क्या होता है। तो आज आपको मेरी बात सही समझ आएगी भला क्यों। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि ऐ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम, इसमें इसके अंदर मज़ामीन जो हैं, अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को रात को क़याम करने की तलकीन की, लेकिन तमाम रात नहीं बल्कि निस रात या इससे भी कम। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया ऐ महबूब अलैहिस्सलाम तो रात को उठ के मेरी इबादत किया कर। अब अल्लाह का फरमान था और नबी अलैहिस्सलाम सारी सारी रात अल्लाह कितनी देर रात खड़े थे, पांव मुबारक सूज जाया करते, अजमत मुस्तफा देखे नबी पाक अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक सूज जाया करते। खुदा की कसम आप उम्मती हैं यार, वो किन के लिए उनके पांव सूजते थे? हमारे लिए, आपके लिए। अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, इस मरतबा मुझे इत्तफाक हुआ सऊदी अरब जाने का तो मैं हलीमा सादिया के गांव भी गया था। मैं हलीमा सादिया के गांव भी चला गया। आप यकीन जाने मैं उस कमरे में भी गया जिस कमरे में हलीमा सादिया होती थी रजी अल्लाह तआला अन्हा। उसके साथ ही छोटा सा कमरा था जो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का कमरा था, नबी अलैहिस्सलाम का कमरा था। उस कमरे में भी जाने का इत्तफाक हुआ मुझे, उस कमरे में भी मैं गया। उसकी जो छत बनी थी उन्होंने तोड़ दी है, तो इंशाल्लाह ताला ये जो आखिरी दिन अब आ रहे हैं ना तो आपको उस कमरे की छत की लकड़ी में लेके हैं उसकी भी ज्यारत करवाएंगे आपको इंशाल्लाह। बहुत सारी चीजों की आपको ज्यारत करवा के फिर जाने देंगे इंशाल्लाह।
तो मैं उस गांव में भी गया, काफी दूर है, बनी साद उस गांव का नाम है, काफी दूर है, वहां पे छोटी गाड़ी नहीं जाती, जीप वगैरह पे जाना पड़ता है। तो मतलब वहाँ उमरे वाला बंदा नहीं जा सकता, हज वाला भी नहीं जा सकता, जिसके पास वहां का रेजिडेंशियल वीजा है वो जा सकता है। तो वहां पर जाने का इत्तेफाक हुआ मुझे, तो यकीन जाने मैं मस्जिद में बैठा हूं। जितना मजा नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोजे मुबारक पर आता है ना बैठने का, उसके बाद अगर मजा आता है तो उस घर में जाके मजा आता है। पहाड़ चारों तरफ है, वहां पर कोई मकान नहीं बना, वहां पर दूर एक आबादी है, छोटे छोटे चंद मकान बने हुए हैं, उसके बीच बीच में से रास्ता आता है जो मक्के को आता है, जहां पे हलीमा सादिया थी। हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला, नबी पाक रसूल वहां पे उम्मत के लिए परेशान कितने होते थे। हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा, आप क्या करती थी? आप फरमाती हैं कि जब मैंने नबी पाक रसूल को अपनी गोद में लिया और नबी अलैहिस्सलाम के कानों के लबों के साथ मैंने अपने कान को लगाया तो नबी अलैहिस्सलाम के लब हिल रहे थे, लब मुबारक हिल रहे थे। आप फरमाती हैं मैंने अपने कान करीब किए तो आवाज आ रही थी, अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। हाय, किस उम्मत के लिए यार? इस उम्मत के लिए। आज जो उम्मत मेरे नबी की सुन्नत को काट देती है, गंदी नाली में फेंक देती है, आज कहते हैं यार ये सुन्नत ही तो है, क्या हो गया यार? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैंने अपने कानों से सुना कि आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। नबुव्वत का ऐलान तो 40 साल बाद हो रहा है और उम्मत की बख्शिश की दुआ पैदा होते हो रही है। तो नबी पाक रसूल रात के पिछले हिस्से में उठते, सारी सारी रात सरकार उठते थे और सारी रात अब क्या करना, अब नमाज पढ़ते रहना खड़े खड़े होके। पांव मुबारक सूज गए, अल्लाह अकबर। यहाँ माँ अपने बेटे के पांव सूजे देखकर क्या कहती है, बेटा तू कल से स्कूल ना जा, तू कल से काम पर ना जा, बेटा तू ना जा, तू तू उसका ख्याल करती है, पांव को हाथ लगाती है, मलती है। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक रब ने सूजे हुए देखे तो फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे, ऐ महबूब अलैहिस्सलाम, या युहल मुजम्मिल, ऐ कमली ओढ़ने वाले, तू एक काम किया कर यार, तू सारी रात ना जागा कर, तू रात के थोड़े हिस्से में इबादत किया कर यार, तू बाकी आराम किया कर, जा के यार। ऐ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम, तर्जमा, ऐ मेरे महबूब, तू रात के कुछ हिस्से में, आधी रात भी नहीं, थोड़े हिस्से में मेरी इबादत किया कर, बाकी सारी रात तू सुकून किया कर, सारा दिन तू मेरी मखलूक की खिदमत करता है, तू सारी रात मेरी बारगाह में खड़ा रहता है। ऐ सोनिया, तेरा सारी रात खड़ा होना, मुझे ख्याल आता है इस बात का कि मेरे महबूब के पांव सूज गए हैं। सोचे तो सही, आपकी और मेरी और हम सब की खातर नबी अलैहिस्सलाम सारी सारी रात जागे और आपसे साल बाद भी ना जागा जाए, कैसे उम्मती हो यार? कोई कहे कि बैठ के खाना सुन्नत है मेरे नबी की, कोई बताए कि मुसवाक करना सुन्नत है मेरे नबी की, कोई बताए कि रात जागना सुन्नत है मेरे नबी की, कहते यार सुन्नत ही तो है, फिर क्या हो गया यार? सुन्नत छूट जाएगी तो क्या हो जाएगा? मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया अगर उम्मती गुनाहगार है जहन्नम में चला जाएगा तो क्या होगा? फरमाया नहीं नहीं, जब तक मेरा एक भी उम्मती रह जाएगा मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। उस वक्त तर्जमा यह है, रात की नमाज के लिए कयाम फरमाया कीजिए मगर थोड़ी, यानी निसब रात को या कम कर लिया करें, इससे भी थोड़ा कम। मैं क्या महबूब, रात के आधे हिस्से में इससे भी थोड़ा कम तू जो है ना वो मेरी इबादत किया कर रात को उठ के, बाकी टाइम में तू आराम किया कर। आगे है, मालों का वारस कौन है और जो नेकी तुम आगे भेजोगे अपने लिए तो उसे अल्लाह के पास मौजूद पाओगे, यानी बेहतर है और इसका अजर बहुत बड़ा है। यहाँ ये फरमाया जा रहा है कि जो नेक, जो तुम पैसा रुपया अल्लाह की राह में खर्च करोगे आगे वाले अकाउंट में तुम्हारे जमा हो रहा है। हर वक्त पैसा कमाना 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 जेब में डालना, अच्छा बंदा सारी जिंदगी कमा कमा के बैंक बैलेंस ढेरों ढेर लगा दे और बहुत सारे मकान और गाड़ियां बना ले, कमाते हुए जिंदगी गुजर जाती है, बर्बाद करने के लिए औलाद में से अगर एक ही गंदा निकला है तो वही सारा बर्बाद कर देता है, औलाद में से एक भी गंदा निकला है सारा बर्बाद कर देता है। तो यहां ये बताया जा रहा है कि अगले आगे जो तुम भेज रहे हो वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और इससे आगे ये फरमाया गया है सूरह मुदस्सर के अंदर, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं
मैं भी ये समझता हूँ इस बात को। अब यकीन जाने कल मेरे पीर साहब ने मुझे दोपहर को, मैं इधर ही सो रहा था तो फ़ोन मुसलसल आ रहा था पीर साहब का, तो मैं उठा जब, मैं दो तीन दिन से मुसलसल जाग जाग के रात दिन इधर बाहर ही लेटा, इधर ही मैं सो गया, तो मैंने उठ के फ़ोन देखा तो पीर साहब का फ़ोन आया था। मैंने बैक कॉल की तो फरमाने लगे यार तुम जल्दी मेरे पास आ जाओ। तो मैंने वैसे इन्हीं कपड़ों में चला गया उधर, वहाँ जब पहुँचा तो फिर प्रोग्राम बना के आगे आज़ाद कश्मीर जाना है, फिर कश्मीर चले गए। अब सोचें कि सारा घूम घुमा के फिर वापस आ गए। अच्छा सुबह मैं आ गया था लेकिन मेरी तबीयत बड़ी ख़राब थी, मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, फिर मैं नमाज पढ़ के सैरी करके लेट गया। अच्छा थकन आज भी सुबह से मुसलसल फिर वैसे चलना है। मैं महसूस करता हूँ आप थके होते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी तरह महसूस करता हूँ, लेकिन यकीन जाने ये थकना और थकने की हालत में बैठना क्या क्या, कई लोग आपकी खिदमत के लिए आते हैं, क्या करते हैं आप, कोई रोटी लेके आ रहा है, कोई पानी लेके आ रहा है, कोई कपड़े लेके आ रहा है, वो भी बड़े खुश नसीब हैं। क्यों भला वो भला क्यों खुश नसीब हैं? मैं इसलिए बता रहा हूं खुश नसीब हैं कि मेरे मेहमान की कोई खिदमत करे मेरे दिल में उसकी बड़ी कदर बढ़ जाएगी। अल्लाह के मेहमान की खिदमत करेगा मालिक, मैं कहा तू मेरे की खिदमत करता है मैं तेरी खिदमत करूंगा। तो मैं अब जो आपकी थकन को देखकर महसूस करता हूं मैं भी, लेकिन मेरी मजबूरी होती है, मेरा जी चाहता है आपको जरूर बातें सुनाऊं जिसमें से हो सकता है कि मेरी और आपकी बख्शिश का गुजरिया निकल आए। मैं मुझे आपकी थकन का बहुत एहसास होता है, ऐसा नहीं कि नहीं, मैं कहता हूँ यार इनको चलो जो ऐसा हो सकता है मतलब इनकी जितनी गुंजाइश हो सके इसको निकाल लो। बहरहाल आगे सूरह मुदस्सर है, इसमें जो मज़ामीन है लोगों को अपने रब के अज़ाब से डराइए, दीन की राह में जो मुश्किलात दरपेश हों उन पर सब्र करना, दोजख के दरोगे फरिश्तों का बयान, अहले जन्नत और दोजख से सवाल करेंगे, दोजखियों से सवाल करेंगे, ये आगे है सवाल, और अपने रब की रजा के लिए सब्र कीजिए। ये बात बड़ी गौरतलब है, अल्लाह पाक अपने महबूब अलैहिस्सलाम से फरमा रहा है कि दावत तबलीग के सिलसिले में जो मुश्किलात आप पेश आए इन पर सब्र कीजिए, और सब्र भी महज अल्लाह ताला के लिए। इस आयत मुबारका से पहले अल्लाह ताला ने कुछ हदायत दी हैं कि जो काम भी दीन के लिए करो ये मत सोचो कि अल्लाह ये मत सोचो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लोग कुछ मुआवजा देंगे। ये तमाम हदायत के बारे में कुछ शख्स कोई शख्स ये गुमान ना करे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले इनके खिलाफ अमल कर रहे थे। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब तुम दीन का काम करो तो फिर लोगों से दीन का काम करके मुआवजे की उम्मीद ना रखो। हाँ ये मौलवियों पर बात बड़ी फिट होती है, उनको बड़ी चुभेगी ये बात। हाँ अल्लाह ऐलान फरमा रहा है कि जब तुम दीन के लिए कोई काम करो तो फिर दोबारा मुआवजे की उम्मीद ना रखो कि ये हमें पैसे देंगे बयान करेंगे, हमें पैसे देंगे, ये हमें गाड़ी देंगे, ये हमें घर देंगे, फिर उससे पैसे की उम्मीद ना रखो, उनसे पैसे की उम्मीद मुआवजे की उम्मीद ना रखो, अल्लाह की रजा के लिए करो। कुरान सुनाने तो फकत अल्लाह की रजा के लिए सुनाना है, हदीस सुनानी तो अल्लाह की रजा के लिए सुनानी है कि अल्लाह तू राजी हो जा किसी तरीके से। अगर बंदे को राजी करने के लिए सुनानी है तो फायदा ही कुछ नहीं। अगर दुनिया का माल भी कमाना है तो दीन को बेचकर उसका फायदा ही नहीं है कुछ। आगे सुने और ये हदायत नाजिल की गई कि बल्कि हजूर सल्लम की आदत करीमा पहले ही ऐसी साफ की मजमू थी, हर किस्म की खामियों और ऐबों से नबी पाक रसलम की जात पाक है। ये अहकाम तो इसलिए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर हमेशा कारबंद रहें, फिर कयामत के दिन तक आने वाले मुबल्लगीन और खादिमे दीन के लिए हैं कि इनके लिए एक मंशूर मुकर्रर कर दिया कि अगर नबुव्वत के फ्यूज़ बरकात से कुछ हासिल करना चाहते हो तो असूलों को मजबूती से थाम लो। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर नबी की नबुव्वत के फैज से आप यानी मुस्तफीद होना चाहते हो तो काम अल्लाह की रजा के लिए किया करो। क्या किया करो ये बात गौर से सुने, कुरान पढ़ाना तो अल्लाह की रजा के लिए, मदरसा पढ़ाना तो, लेकिन अगली बात आप भी गौर से सुन लें, कुरान पढ़ाने वाले को देना सुन्नत सहाबा सुन्नत अंबिया, दीन का काम करने वाले को देना सुन्नत अंबिया। अगर वो नहीं मांगता तो आपका फर्ज बनता है उसकी खिदमत करना अपनी कमाई में से, दीनदारों की खिदमत करना आपका फर्ज है,
हाँ अगर वो लालच रख के करता है तो उसका कोई फायदा नहीं, लेकिन आखिर किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का भाई है, किसी का बाप है, कैसे निजाम में जिंदगी चलेगा? उनको देना कोई जुर्म और गुनाह नहीं है, इनकी खिदमत करना जुर्म और गुनाह नहीं है, लेकिन पहले तय करना, मुकर्रर करना, ये गुनाह है। बात समझ आ गई है? बड़ी बारीक सी शरी बात है, बहरहाल आपको इंशाल्लाह आगे है। दरोगे के, दोजख के दरोगे फरिश्ते हैं, और हमने नहीं मुकर्रर किए आग के दरोगे मगर फरिश्ते। सुने जरा, नबी पाक अलैहिस्सलाम का भी इरशाद ग्रामी है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यामत वाला दिन होगा ना तो जन्नत का दरवाजा खटखटाएंगे, जाएंगे अंदर से पूछा जाएगा के कौन? नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाएंगे अना इस्मे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, कई भैया नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम से ना अंगूठे नहीं चूमते, ठीक है, ये कुरान और हदीस में नहीं है क्या? लेकिन अल्लाह ताला ने नबी का नाम ही ऐसा बनाया, हाय कमाल कर दिया। अल्लाह पाक ने नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम ऐसा बनाया है, फरमाया कि महबूब तेरे नाम पर कोई अंगूठे चूमे ना चूमे, होंठ एक दूसरे को चूम लेंगे, क्या होगा? अच्छा हाथों को तो रोक लोगे तो होंठों को? अल्लाह ने नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम ही ऐसा बनाया मोहम्मद, ठीक है। तो ये इश्क है, ये मोहब्बत की बात है, कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा आप कहेंगे जी कुरान हदीस तो साबित नहीं है, तो भाई इससे बड़ा क्या ना, इससे बड़ी और क्या बात होगी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का अल्लाह पाक ने नाम भी कुरान में दे दिया, हदीस में भी दे दिया, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की नमाज वाहिद एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, उसमें किसी का नाम भी शामिल नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब पर फरमाया दुरूद नहीं पढ़ोगे तो नमाज नहीं होगी, ना पढ़ो दुरूद उठा के ले जो अपनी नमाजों को, मुझे चाहिए नहीं तुम्हारी नमाज। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्यामत वाला दिन होगा, पूछा जाएगा कौन? आप मैं क्या नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूछा जाएगा। उसके बाद दरवाजा खोलेंगे, फरिश्ता कहेगा दरोगा, कहेगा हाँ ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया था कि सिर्फ मोहम्मद आए, वो आए तो तूने दरवाजा खोलना वरना दरवाजा नहीं खोलना। अच्छा ठीक है, अब मैं आ गया हूँ, अब नबी पाक अलैहिस्सलाम के जाने पर दरवाजा खुलेगा, मैं अपने आका करीम अलैहिस्सलाम की जात पर कुर्बान जाऊँ। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम आप जैसे लोगों से कितना प्यार करते हैं, अल्लाह फरमाया कि पहले मैं नहीं, पहले मेरा गुलाम बिलाल काला, हाय हैं बिलाल काला, पहले मेरा गुलाम मेरी सवारी की नकेल पकड़ के पहले बिलाल दाखिल होगा बाद में मोहम्मद दाखिल होगा, पहले एक बात मुझे याद आ रही है, आका करीम अलैहिस्सलाम जब मिराज पर गए ना तो हूरे जन्नती हूरे अपने अपने एप्लीकेशन लेके आ गए, जैसे कोई जाता है तो ना अपने अपने एप्लीकेशन लेके आ गए, कहने लगी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी ने कहा कि मुझे सिद्दीक अकबर के लिए लिख दें, किसी ने कहा उमर फारूक के लिए, उस्मान गनी के लिए, किसी ने किसी के लिए, किसी ने, हर किसी ने अपनी अपनी डिमांड की। जो हूरों की सरदार हूर थी ना सबसे ज्यादा खूबसूरत हसीन और जमील, हुरुम मकसूरतुन फिल खयाम, कहते हैं कि हूरों हैं जो जन्नती हूरे हैं ना उनके जो पर्दे हैं ना उनके कपड़ों के पर्दे जो हैं अगर एक पर्दा हटे तो मशरिक से हटे तो मगरिब की तरफ रोशनी हो जाए। जो हूरों की सरदार थी ना वो अपनी एप्लीकेशन लेके आ गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने लिए कबूल करें, आप नबियों के सरदार नबी हैं, मैं हूरों के सरदार हूं, आप मुझे अपने लिए कबूल करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया ठीक है मैं तुझे कबूल जरूर करता हूँ लेकिन अपने बिलाल काले के लिए। हाँ किसके लिए फिर बताएं, अकीदे की बात है, अकीदे की, किसके लिए? उसके दिल में ख्याल गुजरा कि मैं हूरां दे सरदार ते ओ गुलाम वो भी काला, नबी रसूल आते तेरे दिल में बात गुजर दिया, सबर कर मैं बिलाल को पूछू तुझे कबूल करता है कि नहीं करता, वो तू कहां घूमती है, मैं पहले बिलाल को तो पूछू
कि वो तुझे कबूल करता है कि नहीं करता। वही बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु जब नबी अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए तो बिलाल हबशी के कदमों की आवाज पहले आसमान पर देखी। फरमाया बिलाल तू कैसे यहाँ पर? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे प्यार करता हूँ, हर वक्त वजू में रहता हूँ, रब ने मुझे रुतबा अता फरमा दिया है। अब समझ आइए नबी के गुलामों की शान, अब समझ आइए जन्नती हूरों का मुकाम। बेशक उनका मुकाम बड़ा आला है, बड़ा ही आला मुकाम है। तो आगे वो फरिश्ते अल्लाह ताला ने 19 फरिश्ते दोजक के बनाए हैं जो दोजक के दरवाजे पर खड़े होंगे। कहां कितने? नबी पाक अलैहिस्सलाम कबीर शालिग्रामी हैं। अच्छा 19 फरिश्ते हैं, जो फरिश्ते जो खड़े तो उस वक्त ऐलान हुआ कि 19 फरिश्ते हैं। जो अबू जहल उसके साथ ही थे ना, वो हंसने लगे, मजाक करने लगे, लो जी मोहम्मद के खुदा ने एक और ऐलान कर दिया। ओ भाई कोई फौज लाता कोई लाखों की तादाद में होती, उनका जो पहलवान था ना सबसे बड़ा पहलवान, वो कहने लगा यार ये कौन सी बात है, 17 को तो मैं गिरा लूंगा, 2 को सारे, कहने यार 19 को गिरा लो तो बात ही कोई नहीं हमारे लिए, इतनी मखलूक होगी। अल्लाह ताला उस बात की नफी कर रहा है। इसके आगे फरमाया माया कि पूछो कौमे आद और समूद से कि कितनी ताकत है उन फरिश्तों की, एक एक फरिश्ते की ताकत कितनी है। और अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों की इतनी इतनी ताकत बनाई है, अगर फरिश्ता सूरज को पकड़ ले तो सूरज की जरूरत नहीं है, एक सूत्र भी आगे हो जाए। ये फरिश्तों की ताकत, ये जो काफिरों की बात उसको रद्द किया गया है। इससे आगे बताया गया है अहले जन्नत का अहले दोजख से सवाल, जो जन्नती जन्नत में होंगे अहले जन्नत पूछेंगे कि मुजरमों से कि किस जुर्म ने तुमको दोजख में डाला। जन्नती दोजखियों से पूछेंगे, कुरान की आयत नंबर है 40 और 42 तक सूरह मुदस्सर की, ये फरमाया जा रहा है कि जन्नती दोजखियों से पूछेंगे कि तुम किस वजह से जहन्नम में आए हो। ये बात बड़ी गौरतलब है, दोजखियों से पूछेंगे तुम जहन्नम में क्यों आए हो, वो दोस्ती क्या कहेंगे, दोस्ती कहेंगे अहले जन्नत दोस्तियों से पूछेंगे कि तुम्हें किस जुर्म की बादश जहन्नम में दर्दनाक अजाब में मुब्तला किया गया, वो जवाब देंगे हमारे दो कसूर थे जिनका हम सजा भुगत रहे हैं, एक तो ये कि हम अपने रब को सजदा नहीं करते थे। अल्लाह फिर बताएं पहला कसूर क्या है, दोजख में जाने वाला कौन होगा जो अल्लाह की बारगाह में सजदा, सुन लो जरा गौर से बेनमाजियों, आप तो नमाजी हैं ना माशाल्लाह, नमाज छोड़ने वाले गौर से सुन ले, कयामत वाले दिन जन्नती दोजखियों से पूछेंगे तुम जहन्नम में क्यों आए, वो कहे हमें एक वजह तो ये थी कि हम अल्लाह की बारगाह में सजदा नहीं करते थे, अकड़ अकड़ के रहते थे, कभी भूले से भी ख्याल ना आया कि हम जिसको जिस करीम के करम के सदके ये जिंदगी इज्जत आराम से गुजर रही है इसे सजदा भी करना है चाहिए, इसकी इबादत जरूरी है। और दूसरी हमने ये गलती की कि खुद तो दो वक्त पेट भरकर खाना खाते थे, गरीबों मस्किनों को खाना नहीं खिलाते थे। हाय हाय अल्लाह अल्लाह अल्लाह, साबित क्या हुआ, पहले वो खुद ही गरीब बनाता है। बड़ी समझदारी की बात है, फलसफे वाली बात है, फलसफे वाली। एक बंदे को उसने गरीब बना दिया, बड़ा अमीर लैंडलॉर्ड था, गरीब बना दिया। क्यों बना उसको गरीब बनाया उसने? वो जिसने जिसको गरीब बनाया खुदा की कसम वो खुश नसीब है। एक बात तो बताएं, एक घर के अंदर 100 बंदों की बारात आए, कितने बंदों की बारात, 100 बंदों की बारात आए। अच्छा जो घर वाले ने जिन्होंने बरात को बुलाया वो एक नाम उसमें है जाहिद, क्या नाम है जाहिद, कहते हैं जाहिद को खाना नहीं देना, इसको खाना नहीं देना जाहिद को खाना। अच्छा अब जितने सारे लोग मेहमान नवाज होंगे ना वो सारे बरातियों से पूछेंगे तेरा नाम जाहिद है तेरा, क्योंकि ऐलान जो कर दिया जाहिद को खाना, एक को खाना। अच्छा अगर वो बुरा था तो बुलाए क्यों, एक सवाल है ना, अगर बुरा था तो बुलाया क्यों, इसका मतलब है जाहिद पर खास नजर है। ऐसे नबी सीधी सी बात है, मेरी बात समझ आ रही है, जाहिद पर चलें। अब नहीं आपको समझ आएगी, मैं बताता हूं, ये इस भाई का नाम अली, सारे जितने इतकाब वाले मैं कहता हूं भाई अली को खाना नहीं देना, क्या इसका मतलब है पूरे मजमे में अली अली हो गए, वैसे तो पूरी रूह जमीन पर अली अली है ना,
उस अली की बात नहीं हो रही, आम बात हो रही है, एक बंदे का नाम अली है भाई, इसका मतलब पूरे मजमे में। अच्छा मेरे जाने के बाद सारे पूछेंगे अली किसका नाम है, वो तेरा नाम अली है, तेरा नाम अली है, तेरा ऐसा ही होगा ना, पूरे मजमे में उसकी धूम मच। अच्छा अगर अली बुरा तो उसको उठा के बाहर फेंक दो, ये नहीं कहा जा रहा, कहा जा अली को नहीं देना, इसका मतलब अली पर खास निगाह है। वो भाई अल्लाह ताला सबको तो रिस्क देता है, कहता फलां को नहीं देना, फलां को नहीं देना, इसका मतलब है उसकी जबान पर बंदे का नाम है, और रिस्क मिले ना मिले रब की जबान पर नाम तो है ना यार उसका। और गरीबी अमीरी तो खालिक की बारगाह की बेनियाजी है ना, और भाई अमीर तो अमीर है गरीब तो गरीब है, सोचो तो सही कि खालिक की जबान पर उसका नाम तो है कम से कम यार।